अगर गाड़ी बस नहीं मिलेगा तो चलिएगा तो कितना दूर गर्मी में पैदल चल सकते हैं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत दिक्कत है। दिक्कत है ये है बहुत, पैदल ही जाना पड़ रहा है। गाड़ी कहाँ मिल रहा है? कहाँ जाना? गांधी मैदान। अब तो बस जीपीओ की तरफ से निकलता है, इधर से जाता नहीं तो आराम की मस्ती नहीं। आराम कहाँ है, तो हराम हो गया जीपीओ बस से। यहाँ बस खाली है, तड़प रहे हैं बस के लिए। हाँ, लटक के जाना पड़ता है। बस से तो कभी गए नहीं, बस बहुत स्लो चलता, आउट ड्यूटी छोड़वा दे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। सुबह सुबह हम मौजूद हैं पटना जंक्शन वाले गोलंबर पे और यहां पे हम आपको बता दें कि जो बस इधर से जाती थी डाक बंगला होते हुए, बेली रोड होते हुए, वो बस अब नहीं जाएगी, वो जीपीओ गोलंबर की तरफ से जाएगी और लोग बहुत परेशान है। अब बस इधर से नहीं जाती तो इशू होता है या ठीक है? एकदम इशू होता भैया, दिक्कत होता है। ऑटो से मन नहीं करता? ऑटो वाले एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। एक्स्ट्रा पैसा लेते तो पैदल जाइएगा। नहीं, हमें तो यहाँ चौराहे पे जाना। अच्छा, बस अब नहीं जाता है तो दिक्कत है जी, एकदम दिक्कत है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जिस गोलंबर पे हम मौजूद हैं, जो बुद्धा स्मृति पार्क आपको इधर दिख रहा होगा, इस रोड से बस अब नहीं जाएगा और ना जाता है। बस नहीं मिलता अब इधर से तो दिक्कत होता है, ठीक है? सॉरी, चलिए नहीं बोलने के लिए तैयार है। जो लोग हैं उनसे बात कर लेंगे, जो यहाँ पे शख्स मौजूद हैं ऑटो वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना है उनका। अगर मिलेंगे कोई बात करने के लिए तो हम जरूर पूछेंगे कि अब देखिए, एक महिला है जो जा रही है, अब बस नहीं जाता इधर से तो दिक्कत होता है या ठीक है? नहीं, ठीक है। ठीक है, पैदल जाने में आराम है? हाँ, आराम है। चलिए, बस नहीं जाता इधर से तो दिक्कत होता है, ठीक है? हाँ, दिक्कत तो होता ही है। दिक्कत होता है, कहाँ जाना है आपको? बोरिंग रोड जाना है। तो आप तो इधर से नहीं जा पाएंगे बस से? हाँ, बस से तो नहीं जा, ऑटो से ही जाएंगे। ऑटो से जाएंगे तो ऑटो से जा क्यों नहीं रहे, पैदल जा रहे? सुना है ऑटो वाले क्या ज्यादा पैसा ले लेते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं, वो भरेंगे तब तक जिसका ड्यूटी है तो छूट जाएगा ना। नहीं कर सकते। हाँ, इंतजार नहीं, ड्यूटी छूट ना जाएगा, वो लोग भरेंगे तब खुलेगा। और ऑटो से बस से जाते थे पहले? नहीं, पहले बस से तो कभी गए नहीं, बस बहुत स्लो चलता, आउट ड्यूटी छोड़वा देगा। चलिए, और भी लोग हैं, सुबह का समय है, सब लोग देखिए, सब लोग जो हैं वो जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अब बस इस रोड पे नहीं चलेगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? अब बस इस रोड पे नहीं चलेगा तो दिक्कत है कि नहीं? चलिए बात, अब बस इस रोड पे नहीं चलेगा तो दिक्कत है या आराम है? नहीं, दिक्कत है। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इधर आ जाइए, साइड में आ जाइए, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, छोटा वाला गाड़ी को चलने में बहुत दिक्कत होती है, छोटा छोटा मोटरसाइकिल चलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा हुआ कि बस बंद हो गया। बस बंद हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, क्या कहिएगा, बस अब इधर से नहीं जाता तो आराम है कि ठीक है? ठीक है, ठीक है। ऑटो वाले इसलिए कर रहे हैं, ऑटो वाले की बात नहीं, पब्लिक देखने का चीज़ है। आप पैदल जा रहे हैं, अब बस इधर से नहीं जाता है, बोरिंग रोड हो गया, कहीं भी हो गया तो दिक्कत है कि आराम है? दिक्कत है ना। दिक्कत है, ऑटो से क्या दिक्कत नहीं है? ऑटो से ठीक है ना, ऑटो से ठीक है। चलिए, आपको दिख रहे होंगे लोग जो है वो जा रहे हैं, अब बस इस रोड से नहीं जाता है, बोरिंग रोड नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, दिक्कत होगा, आराम? पैदल जा रहे हैं हम लोग, पैदल जाइएगा। चलिए, बस नहीं जाता, ये जो बस है वो बस कारगिल चौक जाएगा, बोरिंग रोड वाला जो बस है और बाकी जो है वो अब यहाँ से जाता नहीं, तो दिक्कत है, आराम है? दिक्कत है, दिक्कत दिक्कत है। ये जो बस आप देख रहे हैं वो बस कारगिल चौक जाएगा और सब लोग देखिए, सब लोग इशारा भी कर रहे हैं कि ये बस कारगिल चौक जाएगा, बाकी बंद। हाँ, बाकी बंद। बस अब नहीं जाएगा तो दिक्कत होगा या आराम है? हमको यहीं पर जी, हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ का, दौड़ के आए एकदम बोलने के लिए। हाँ, दौड़ क्या नाम है? ऑटो, अजय कुमार पासवान मेरा नाम हुआ, और सर हम ऑटो लेकर भी आ रहे थे, अभी टाइम देख लीजिए सर, और प्रशासन को मनमानी क्या करते हैं, ऑनलाइन चलान जहाँ मेरा गाड़ी खड़ा रहता है अभी तुरंत किया है, देखिए सर ऑनलाइन चलान करते हैं मनमानी एकदम, और कहते कि आप क्यों नहीं भरे, हम कहे क्यों भरेंगे? कहाँ कट गया? अभी यहाँ पे कटा है, अभी 9 बजे से पहले नो एंट्री नहीं है सर। आप ये बताइए कि बस अब इस रोड से बंद हो गया, फायदा है नुकसान है? हम लोग को तो अभी तो फायदा है सर। आप पैदल जा रहे हैं, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार, बस अब नहीं चलेगा इस रोड में, फायदा कि नुकसान? नुकसान है सर। नुकसान काहे का नुकसान? दिक्कत हो रही आने जाने में। चलते रहिए, दिक्कत हो रही आने जाने में, क्या करते हैं? हो रही आने, हम ऑपरेटर है सर। क्या हुआ? अभी पैदल जा रहे हैं, बस इस रोड से नहीं जाएगा तो दिक्कत है, आराम है? बहुत दिक्कत है, दिक्कत है ये है बहुत, पैदल ही जाना पड़ रहा है। गाड़ी कहाँ मिल रहा है? कहाँ जाना? गांधी मैदान। चलो, तो गांधी मैदान के लिए तो एक बस जाता है यहाँ से? कहाँ, बस खाली है, पूरा फुल, तड़प रहे हैं बस के लिए। हाँ, लटक के जाना पड़ता है, लटक के जाना पड़ता है, तो इसीलिए पैदल अपना जा रहे हैं, पैदल अपना जाते हैं। और भी शख्स खड़े हैं बस के इंतजार में, हम आपको बता दें कि इस रोड में अब बस नहीं चलेगी। क्या नाम हुआ, नाम क्या हुआ? पिंटू बावरी। अब तो बस इस रोड पे नहीं चलेगी तो दिक्कत है कि मजा है? हाँ, दिक्कत तो है, जनता को दिक्कत की मजा बस नहीं चलने पे, बहुत बेकार हाल है। बेकार हाल हो गया जी, क्या है?
अगर गाड़ी बस नहीं मिलेगा तो चलिएगा तो कितना दूर गर्मी में पैदल चल सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो जीपीओ, अब तो बस जीपीओ की तरफ से निकलता है, इधर से जाता नहीं, तो आराम की मस्ती नहीं, आराम कहाँ है, तो हराम हो गया जीपीओ बस से। तो उधर से नहीं जा सकते हैं? नहीं जी, तो आराम न था और भी लोग, बस इस रोड से नहीं चलता, दिक्कत की आराम बस नहीं चलता इस रोड में। तो हम पहली बार आ रहे हैं, सबसे हम यही सवाल कर रहे हैं कि भैया पैदल जा रहे हैं और बस इस रोड पे नहीं चलेगा, दिक्कत की आराम, कहाँ जा रहे हैं? खगल में जा रहे हैं काम करने के लिए। बताइए बस कि बस इस रोड पे नहीं चलेगा तो बड़ा लोग गुस्सा गया है, बढ़िया हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ, बस तो चलना चाहिए, बस चलना चाहिए, जीपीओ की तरफ से घुमा के ले जा रहे हैं। हाँ, घुमा से नहीं, चलना चाहिए इस तरफ, चलना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, सब लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, आम लोग से बात करेंगे। इशू ये है कि बस जो है वो जीपीओ गुलमर की तरफ से जाएगा, अब इधर से नहीं जाएगा, तो आराम होगा जनता को या हराम होगा? देखिए जनता को आराम चाहिए, प्रशासन चाहे इधर से करावे चाहे उधर से करवावे, आराम चाहिए। आराम, तो इसमें आराम है कि दोनों, हम लोगों को आराम चाहिए, अब उन लोग के ऊपर है कैसे होगा, नहीं उन लोग के ऊपर है कैसे होगा। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र। ये बताइए कि बस इस रोड पे नहीं जाएगा, घुमा के जाएगा जीपीओ गुलमर की तरफ से, आम लोग को आराम या नुकसान? बहुत लोग पैदल जा रहे हैं, घूम के जाएगा तो फिर तो नुकसान है, नुकसान है। हाँ, चलिए देखिए हम आपको बता देते हैं कि जितनी भी बसें हैं वो जाएंगी जीपीओ गुलमर होते हुए, इधर से नहीं जाएंगे, इधर से बस एक ही बस जाएगा जिसको कारगिल चौक जाना है, और बाकी बोरिंग रोड वाला इलाका हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया, या कहीं भी अगर जाना होगा तो आपको जीपीओ गुलमर की तरफ से घूम के जाना होगा। हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पर और सुबह सुबह लोगों से बात किए हैं, ऑटो वाले से बात किए हैं, जो लोग पैदल जा रहे थे उनसे बात किए हैं कि आप पैदल जा रहे हैं, नुकसान है या फ़ायदा है, बस नहीं चलता है इस रोड में। एक और शख्स गमछी वाले मिल गए, नाम क्या हुआ? चलिए बात नहीं करना चाहते, और भी लोग जा रहे हैं, और भी लोग जो हैं वो जा रहे हैं, जिनसे हम पूछ रहे हैं कि बस नहीं चलने के कारण दिक्कत है या आराम है। क्या नाम हुआ? चलिए बात नहीं करते, क्या नाम हुआ? चलिए ये डर रहे हैं, और भी लोग जो हैं वो पैदल जो हैं वो आ रहे हैं, उनसे उनको हम बता देते हैं, और नहीं मालूम होगा तो पूछ भी लेंगे। देखिए कि दिक्कत है कि आराम है, बस नहीं चलेगा। देखिए पैदल आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? भाग गए, जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं उनको हम ज़्यादा नहीं बोलते। देखिए हम आपको बता देते हैं, जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ऑटो से जाते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है और बस यहाँ से चल नहीं रहा है। तो देखिए हम आपको बता दिए कि अब अगर आपको कारगिल चौक जाना है तो स्टेशन से बस मिलेगा कारगिल चौक तक का, और अगर पीएमसी जाना तो वहाँ भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको बोरिंग रोड जाना था, अगर आपको कहीं और जाना था तो बस इधर से नहीं मिलेगा, बस जीपीओ गुलमर की तरफ से घुमा के जाएगा। अब आप पर है कि क्या करना है, बहुत लोग पैदल चलते चलते गुस्सा के बोले ये तो हराम है, लटक के जाना पड़ता था बस में, बड़ा दिक्कत होता है, क्या कुछ कहना था लोगों को, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें, धन्यवाद।